1989 से लेकर आज तक विधायक, सांसद और मेयर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रहे हैं। एक बार एक साल के लिए दूसरे पार्टी के सांसद रहे और ये विकास का मॉडल है। जो मुख्यमंत्री जी रोज सदनों में सड़कों पर लंबी लंबी बातें करते हैं, देश विदेश की बात कर रहे हैं, वो अपने खुद शहर जहां हर तीसरे दिन आते हैं और तीसरे दिन आने के उपरांत वो यहां स्थानीय लोगों से मिलने नहीं आते, केवल मंदिर में आते हैं और मंदिर से वापस हवाई जहाज से दूसरे जगहों के लिए चले जाते हैं, लखनऊ की राजधानी की दिशा को तय करते हैं। और आज ये समूचा कॉलोनी पूरा जलमग्न है। यहां के लोगों को जीवन जीने की भी तकलीफ है, न कहीं आ सकते हैं न जा सकते हैं, ये जलकुम्भी भरा है। ये विकास का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नाला काट करवा दिया, सीएनडीएस 6 साल से नाला बन रहा है, उसी के लिए हम लोग ये हर साल बोलते हैं, एक साल की कहानी नहीं है, लेकिन इस साल ज्यादा ही कुछ हो गया। आखिर ये किस चीज का ढिढोरा पीट रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नंबर एक, जगह जगह ब्रांडिंग, जगह जगह पूरा देश भाषण दे रहे हैं, अब घरे का पानी नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, चलेगा यार। एक महीने से 20 मिनट 2 दिन थोड़ा हल्का हुआ करते। आखिर इसका ये हर साल लगता है कि पहली साल है? 2 साल से तो लग रहा है। स्थिति खराब, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, फिर उसके बाद भी ये तो कोई साधन इसका नहीं है जिससे निकल पाए पानी? बनाए हैं लेकिन पता नहीं हो सकता है, पानी नहीं निकल पाए। डिजाइन सही नहीं किया है लोगों ने, वो तो सब चला गया जो पहले लिया था, उधर ऊंचा है ये कल पहले नीचा ऊंचा हो गया, नाली है नीचा, नलिए इधर नीचा है, उधर ऊंचा कर लिया, जिधर निकलना चाहिए। तो क्या तो विकास पागल हो गया है? ये मुख्यमंत्री जी के शहर में जलकुम्भी देखिए, ये जलकुम्भी अक्सरहा कहीं ना कहीं उन जगहों पर देखी जाती है जहां पानी का अधिक जल जमा होता है और गांवों में देखने को मिलती है, लेकिन ये शहर में जलकुम्भी दिखाई दे रही है। इसका यह प्रमाण है कि पिछले काफी महीनों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ रहता, जहां मेन रोड है, लोगों के आने जाने का सीधा रास्ता है, अगर सब्जी, दवाई, इलाज या रोजगार के तलाश में किसी को कहीं जाना हो, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को जाना काफी मुश्किल होगा। और ये जलकुम्भी इस बात को प्रमाणित करता है कि यहां वर्षों से किसी तरह की सफाई व्यवस्था या पानी निकालने का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को जो अपने आप को नहीं देख पा रहे, अपने शहर को नहीं देख पा रहे, अपने नगर को नहीं देख पा रहे, वो प्रदेश को कैसे देख पाएंगे? ये मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व विकास, जो शायद पागल हो गया है ये विकास, और विकास दिख रहा है जलकुम्भी के रूप में, पानी के रूप में, और ढिढोरा पीटने वाले, लंबी लंबी बातें करने वाले मुख्यमंत्री का यही सच है। मैं समझता हूं ऐसे नासमझ और ऐसे नकारा सरदार और निकम्मी व्यवस्था इस प्रदेश के लिए काफी भारी साबित हो रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता जरूर मुख्यमंत्री को इस विकास के आईने को उनके सामने रखेगी और उन्हें बताएगी कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कोई नेता मालिक नहीं होता। नेता आते हैं और जाते हैं, अब मुख्यमंत्री का भी जाना तय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।